Hey, नमस्ते गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल शशि फोरेक्स। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हांगकॉन्ग टू शेंजन कैसे पहुँचना है, हांगकॉन्ग टू शेंजन कैसे आना है। तो टोटली तीन तरीके हैं, एक तो बाय रोडवेज, बाय रेल एंड बाय बोट। सो ऑल इस थ्री मेथड्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो, इसीलिए इस वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले जब आप फ्लाइट से आप नीचे, एक मिनट इसको जाने दे भाई, सबसे पहले जब आप फ्लाइट से उतरते ही जब आप बाहर आ जाएंगे तो आपको इस तरह के ब्लू कलर के बोर्ड दिखाई देगा जिस पे लिखा होता है हांगकांग मकाओ इमिग्रेशन। तो उसी एरो मार्क से आप चलते रहिए। तो मतलब थोड़ा दूर तक चलना पड़ता है, जहाँ पे भी एस्केलेटर्स है, जहाँ पे भी आपको वे वॉक्स है, हर जगह पे ये बोर्ड रहती है। इसी बोर्ड को आप फॉलो कीजिए। अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन है तो मैं आपको मैक्सिमम मतलब हाईली रेकमेंड करता हूँ। तो उसके लिए आप व्हील चेयर को इंतज़ाम कीजिए। ये व्हील चेयर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आप फ्लाइट टिकट बुक करते समय इस ऑप्शन और इस स्पेशल रिक्वेस्ट को आप सेलेक्ट कीजिए सो दैट आपका जो भी आपके साथ सीनियर सिटीजन जो है वो आराम से वो व्हील चेयर में बैठ कर आप मज़ा ले सकते हैं। तो काफ़ी दूर तक चलनी पड़ती है, जहाँ पे भी एस्केलेटर से एस्केलेटर्स के ऊपर चढ़िए, जहाँ पे वो वे वॉक्स होती है वे वॉक्स पे चलते रहिए और इस बोर्ड को फॉलो करते रहिए जहाँ पे लिखा रहता है इमिग्रेशन और मेनलैंड और मकाओ। तो चलते कुछ समय आपको वहाँ पे एक शावर की एक बोर्ड भी नज़र आती है। अगर मान लो आप कहीं यूएस से आ रहे या ऑस्ट्रेलिया से आ रहे, आपके फ्लाइट सुबह हांगकांग पहुंच गई तो आप वहां पे शावर भी कर सकते हैं। ये तो शावर तो बहुत ही बढ़िया रहता है, एकदम क्लीन है। ये लोग सोप, शैम्पू और टॉवल भी प्रोवाइड करते हैं, मगर ये तो पेड सर्विस है। इसका प्राइस आप वहीं पे जाकर आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी ट्राई नहीं किया। मैंने सुना है इट्स अमेजिंग सर्विसेस। ये तो बहुत ही बढ़िया, एकदम गर्म पानी वाला मिलेगा आपको, आप थोड़ा फ्रेश भी हो सकते हैं। ओके, चलते समय जब आप पास में आपको हांगकांग इमिग्रेशन की काउंटर दिखाई देगी, उसी के आसपास आपको एक और बोर्ड नजर आएगी। वहां पे लिखा रहता है फेरी और कोच सर्विसेज टू मेनलैंड। तो वहां अगर आपको फेरी में जाना है तो आप वहीं पे आप टिकट ले लो, नहीं तो आपको ऑनलाइन भी फेरी टिकट बुक भी कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज चेक कीजिए। जो फेरी सर्विसेज जो है तो उस पर आप हांगकांग एयरपोर्ट से डायरेक्ट आप शेंजन शेखो या शेंजन फुयोंग, चुंगसांग, जुहाई या ग्वांगझो नानसा पोर्ट भी आप जा सकते हैं। फेरी प्रॉब्लम क्या है, फेरी में आपको 2 घंटे तक, कम से कम 2 घंटे आपको वेट करनी पड़ती है, क्योंकि जब आप फेरी टिकट ले लेंगे ये फेरी वाले खुद को आपको लगेज जो है तो वो लेके उसको फेरी में मैनुअली लोड कर देते हैं। इसीलिए आपको 2 घंटे वेट करनी पड़ती है। अगर मान लो आपके पास कोई बड़ा वाला बैगेज नहीं है, एक मिनट यार इसको जाने दे, थोड़ा मैं घर के नीचे बाहर में मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे लोग आते, मतलब कुछ लोगों का डिस्टर्बेंस हो रहा है। मान लो आपके पास कोई तगड़ा वाला या बैगेज, हैंड बैगेज, मतलब बैगेज नहीं है, खाली एक हैंड बैग है छोटा वाला, तब आप फेरी इज़ वेरी कन्वीनियंट। फेरी थोड़ा महंगा है, उसका कॉस्ट है मे बी लाइक 250 हांगकॉन्ग डॉलर कुछ है उसका प्राइस, या 300, मुझे पता नहीं है। आप लिंक ओके, अगर आप फेरी में जाना चाहते हो, आप फेरी अभी भी मैंने बताया फेरी में कैसे जाना है। अगर मान लो अगर आपको नेक्स्ट ऑप्शन है बस या ट्रेन में जाने के लिए, उसके आपको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट यू हैव टू क्लियर द हांगकॉन्ग इमिग्रेशन। आप हांगकॉन्ग इमिग्रेशन क्लियर कीजिए, उसके बाद आपका जो फ्लाइट का नंबर जो है वहाँ पे डिस्प्ले में लिखा रहता है, आपके जो भी फ्लाइट का नंबर है, आप कौन से सिटी में आ रहे हो उस सिटी का नाम भी रहता है, और वहाँ का आपको बैगेज का वो बेल्ट का नंबर रहती है। तो आप सीधा अपने वो रेस्पेक्टिव बेल्ट नंबर पे जाइए और अपना बैगेज ले लो। बैगेज लेने के बाद वहाँ पर सीधा आप हांगकॉन्ग कस्टम्स रहती है, नथिंग टू डिक्लेयर। अगर आपके पास कोई नॉन डिक्लेरेबल आइटम्स है तो आप आराम से ग्रीन वे में आप जा सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ इसी वक्त बिफोर इमिग्रेशन या आफ्टर इमिग्रेशन आप वहीं पे आप हांगकॉन्ग डॉलर एक्सचेंज कर लो। कोई भी करेंसी, बहुत सारे करेंसी काउंटर्स जो है इमिग्रेशन से पहले, इमिग्रेशन के बाद भी आपको मनी एक्सचेंज काउंटर्स रहती है, आप वहाँ से आप हांगकॉन्ग डॉलर्स ले लो। मेरे ख्याल से आप मिनिमम 500 हांगकॉन्ग डॉलर्स इनफ आप 500 हॉन्ग कॉन्ग ले लो। अगर आप फेरी में जाना चाहते हो तो तुरंत आपको वहीं पे आसपास ही काउंटर एक्सचेंज से मनी एक्सचेंज है, आप वहाँ से आप एक्सचेंज कर सकते हैं। जब आप बाहर आएंगे वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मतलब दिखाई देगा बोर्ड वगैरह लेकर, वेलकम टू हांगकॉन्ग, वेलकम टू मिस्टर शर्मा, वेलकम टू मिस्टर शाहरुख खान, वेलकम टू अमिताभ बच्चन, जो वहाँ पे लिखा रहता है। तो जो भी आपको फ्रेंड्स जो वेट कर रहे हैं, फ्रेंड्स या रिलेटिव वेट कर रहे हैं, तो आप वो लोग भी वहीं पर आपको मिल जाएंगे। तो आप बाहर आते ही आप ये बोर्ड देखो, टूर्स एंड कोचेस टू मेनलैंड चाइना मकाओ प्रकार, तो उसको फॉलो करो। आप ऐसे ही चलते, हांगकॉन्ग एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा है, तो यू हैव टू गो टुवर्ड्स हॉल नंबर ए, अराइवल हॉल नंबर ए। तो आप जाते समय आपको एकदम बड़ा सा एलईडी डिस्प्ले देगा, एकदम बड़ा, एकदम सिनेमास्कोपिक, 70mm स्क्रीन जैसा एकदम बड़ा, बहुत बड़ा वो डिस्प्ले। उस तरफ आप जाइए, उस तरफ जाते समय आपको हांगकॉन्ग मेट्रो ट्रेन का नजर आ जाएगा। दैट कॉस्ट लाइक only takes 24 minutes Hong Kong Airport Express। अगर आप ट्रेन ले लेंगे तो only takes 24 minutes from Hong Kong Airport to Hong Kong City तक। सो ये भी बहुत ही सिंपल है। वहाँ पे आप काउंटर पे जाओ, टिकट ले लो, आप सीधा Hong Kong Airport to कोवलून स्टेशन उतरो। कोवलून से थोड़ा आपको वॉक चलना पड़ेगा, मे बी अबाउट 10 minutes वॉक। तो वहाँ पे आपको कोवलून वेस्ट स्टेशन आ जाएगी। वहाँ पे आपको सीधा शेंजन को आपको ट्रेन मिलेगी, फुटियान स्टेशन या शेंजन नॉर्थ स्टेशन या ग्वांगझो। तो वहाँ पे भी आपको ट्रेन मिल सकती है, आप जा सकते हैं। मान लो हांगकॉन्ग एयरपोर्ट आपने एयरपोर्ट एक्सप्रेस ले लिया और वहाँ से शेंजन फुटियान ले लिया। इसका टोटल कॉस्ट होगी आपको अराउंड लाइक 210 हांगकॉन्ग डॉलर। सो दिस ऑल्सो इज वेरी कन्वीनियंट वे। तो आपके लगेज होगा, तो दिस इज वेरी कन्वीनियंट। मैं यही प्रेफर करता हूँ। एक्चुअली मैंने क्या किया इस दिन, मैंने उसको ट्रेन को भी मैंने इग्नोर किया, मैं सीधा बाय रोडवेज जाना चाह रहा था। इसीलिए मैं हॉल नंबर ए कोने तक जब तक मैं चलता गया कि वॉकिंग, तो वहाँ पे वो मेनलैंड कोचेस बसेस जो रहते हैं, वहाँ पे वो स्टाफ जो लड़कियाँ लोग रहते हैं ना, वो लोग बुलाते हेलो हेलो कम ऑन कम ऑन कम कम टू चाइना चाइना चाइना। तो वहाँ से मैंने लिमोसिन ले लिया। उसका कॉस्ट जो है 150 हांगकॉन्ग डॉलर, बिकॉज लिमोसिन मेरे घर आने के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है, इसीलिए मैंने लिमोसिन ले लिया। तो लिमोसिन है ना, तो लास्ट लिमोसिन जो है 10:30 रात को, 10:30 इज द लास्ट लिमोसिन आपको शेंजन आने के लिए मिल जाएगी। तो लिमोसिन टिकट लेते ही उसके सामने, काउंटर के सामने ही वहाँ पे कुछ चेयर्स वगैरह रहते हैं, आपको वेट करना पड़ेगा। यू हैव टू वेट ओनली मैक्सिमम लाइक 15 to 30 minutes, इससे ज़्यादा नहीं। तो क्योंकि वो लोग दूसरे लोगों को भी आपको क्लब करके एक लिमोसिन गाड़ी में आपको लेके जाएंगे उसकी। तो जब आपका समय आ जाता है तो वहाँ पे एक स्टाफ जो वो लेडी रहती है, वो वॉकी टॉकी पकड़कर आपको बुलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको एक स्टिकर भी देती है, येलो कलर पीला वाला स्टिकर, आप चिपका लो कहीं पे, दैट विल बी योर लाइक आइडेंटिफिकेशन टैग। तो जो मान लो आपके पास येलो कलर टैग है, किसी के पास ब्लू कलर टैग है, तो येलो कलर को टैग को लेकर एक लिमोसिन गाड़ी में आपको बिठा देते हैं। वो सीधा गाड़ी सीधा आपको हांगकॉन्ग इमिग्रेशन जो है वो गाड़ी में बैठे बैठे ही हो जाता है। जब आप चाइना आ जाएंगे ना, तो चाइना इमिग्रेशन से पहले आपको उतार देंगे। आप वहाँ से उतरकर चाइना इमिग्रेशन ख़त्म करने के बाद जब आप इमिग्रेशन हॉल से आप बाहर आ जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हेलो हेलो ग्वांगझो ग्वांगझो, हेलो शेंजन, टैक्सी टैक्सी आते हैं। उन लोगों को एंटरटेन मत कीजिए। कम जाओ बंदी रहन, क्योंकि ये लोग बहुत दे टेक यू, ये तो थोड़ा स्कैम ही है। तो दे चार्ज यू, पांच जगह से ही आपको मतलब 200-300 चाइनीज यूएन आपसे ले लेते हैं। तो आप चलते जाइए आगे तक। थोड़ा सा वो रोड थोड़ा सा कच्चा वच्चा सा है, आप चलते जाइए, आपको एकदम शेंजन टैक्सी स्टैंड मिल जाएगी। वो ब्लू कलर वाला टैक्सी, वो BYD का इलेक्ट्रिक टैक्सी जो है, तो वहाँ पे आप क्यों मतलब ज़्यादा समय तक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टैक्सी आते रहते हैं। आप मैक्सिमम या 10-15 मिनट क्यों में आप खड़े हो जाइए, आपको टैक्सी मिल जाएगी। वो टैक्सी वाला आपको मीटर के हिसाब से आपको घर, आपका डेस्टिनेशन पहुँचा देगा आराम से। दिस इज नो स्कैम, नथिंग। ओके गाइज, इतना ही एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको डाउट्स कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ लेना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई देता हूँ। अंटिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।